जहां सपा में टिकट बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 6 टिकट बदले जा चुके हैं। अखिलेश यादव मेरठ में तीसरी बार सपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। बदायूं में धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल को टिकट। बदायूं में तीसरी बार प्रत्याशी बदलने की तैयारी है। पल पल फैसला क्यों बदल रहे हैं अखिलेश यादव, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बार बार टिकट बदलने से कंफ्यूजन में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। क्या लोकसभा को लेकर सपा की जो तैयारी होनी चाहिए वो मुकम्मल नहीं है? जो तैयारी समाजवादी पार्टी को पहले ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब देखिए जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगातार 19 अप्रैल से ये चुनाव शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सभी सीटें 7 चरणों में शामिल है और इस दौरान समाजवादी पार्टी इस वक्त अपने प्रत्याशियों को बदलने में लगी हुई है। आपको बताते चले कि यही समाजवादी पार्टी जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके पहली लिस्ट जारी करती है, लेकिन लिस्ट जारी होते होते अब नामों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। सपा में टिकट बदलने का सिलसिला अभी तक जारी है। अब तक 6 टिकट बदले जा चुके हैं, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 6 टिकट में बदलाव किया गया है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार प्रत्याशियों के नामों में बदलाव किया गया है। सवाल खड़े हो रहे हैं तैयारियों को लेकर, सवाल खड़े हो रहे हैं कार्यकर्ताओं को लेकर जो लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं, जो अपने उम्मीदवार के लिए घर घर जाकर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। अब जब प्रत्याशी ही बदल दिए जाएंगे तो किस तरीके से वो कार्यकर्ता किस उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे? जो उम्मीदवार मैदान पर उतर कर अपनी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है, अपने चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है और अचानक फिर से नाम बदल दिया जाए, तो उन कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जो मॉरल है वो कहीं ना कहीं लो होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी तक कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हैं कि आखिर प्रचार किसके लिए करना है, कौन उम्मीदवार होगा। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब अभी नहीं मिल रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस पर कोई जवाब दे नहीं रही है। बार बार ये घोषणा की जा रही है कि किस तरीके से प्रत्याशियों के नामों में बदलाव किया जा रहा है। देखिए सीट बता रहे हैं आपको, पहले किसका नाम था, अभी किसे चुना गया है। तो बिजनौर की अगर बात करें तो यशवीर सिंह को टिकट दिया गया था, उसके बाद बदलकर दीपक सैनी को दे दिया गया। मुरादाबाद एसटी हसन को दिया गया, फिर रुचि वीरा को दिया गया। नोएडा की बात करें, महेंद्र पाल को टिकट दिया गया था और राहुल अवाना को भी टिकट दिया गया, लेकिन अब इन सब में बदलाव करके महेंद्र पाल नागर को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। तो ये सीटें भी दिखा रहे हैं, पहले किसके नाम थे, अब किसके नाम है। मेरठ में भानु प्रताप सिंह, अतुल प्रधान, ये दो नाम थे, जिसके बाद तीसरा नाम आया सुनीता वर्मा का। बागपत में मनोज चौधरी का नाम आया लेकिन उसमें भी बदलाव कर दिया गया। तो ये वो 6 सीटें हैं जिसमें पहले किसके नाम थे और अब बदलाव में कौन नाम आगे है। तो मनोज चौधरी थे बागपत से, अब अमरपाल शर्मा पर दाम लगाया गया है। तो क्या समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है? बदायूं की बात करें, धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया और अब शिवपाल यादव को टिकट दे दिया गया है। तो हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही रितेंद्र माथुर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेंद्र जी आपका स्वागत है। राघवेंद्र, शुरुआत में आपसे करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां दुरुस्त कर रही हैं, कील काटे दुरुस्त कर रही है, लेकिन इसी कील काटों के बीच समाजवादी पार्टी, ये वो पार्टी जिसने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी और अब उसी लिस्ट में कंफ्यूजन नजर आ रहा है, एक के बाद एक नाम में बदलाव देखा जा रहा है, आखिर क्यों? बेशक ऋतु जी, ये जल्दीबाजी भरा निर्णय अखिलेश यादव का दो बातों पे इंडिकेट करता है कि या तो समाजवादी पार्टी पे उनकी होल्ड कमजोर होती जा रही है, समाजवादी पार्टी पे जिस तरह की मजबूत पकड़ होनी चाहिए नेताओं पे कार्यकर्ताओं पे, उसमें अखिलेश यादव असफल दिखाई दे रहे हैं, या तो हो सकता हो कि सारे नेताओं को खुश करने के लिए सबको पैरलर आश्वासन देते हों, इसी कड़ी में बार बार उनको टिकट बदलना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी दो चरण के
मतदाताओं के लिए जब चुनाव अभी घोषणा हुई है कि इन इन जगहों पे हम प्रत्याशी तय कर रहे हैं, अभी तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें चरण के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, दो चरण के उम्मीदवारों में आपको लगभग 8 प्रत्याशी बदलने पड़े तो ये बहुत ही शोचनीय है। क्या गौतम बुद्ध नगर, क्या गाजियाबाद, क्या बदायूं, क्या बिजनौर, क्या रामपुर, क्या मुरादाबाद, एक के बाद एक आपको प्रत्याशी बदलने पड़ना। और अभी एक संभावना ये भी है कि शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दी है, तो हो सकता है कि एक बार बदायूं का टिकट फिर से बदला जाए और नया प्रत्याशी उतारा जाए। बार बार प्रत्याशियों के बदलने से जो भी इनके प्रत्याशी हैं और कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल टूटेगा और पार्टी जितने मजबूती से चुनाव लड़ सकती थी उस पर भी असर पड़ेगा और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना भी पड़ सकता है। ये अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा कि आप मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो आपका ये बचकाना निर्णय बार बार प्रत्याशियों का बदलना, कार्यकर्ताओं का भरोसा न जीत पाना, ये दिखाता है कि आप लोकसभा की चुनाव की तैयारी समय से नहीं किए थे। आपाधापी में आप टिकट दे रहे हैं और बार बार बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है रितेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और माना जाता है कि अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने ही निर्णय को लेकर अभी कंफ्यूज नजर आ रही है, एक के बाद एक उम्मीदवारों में बदलाव करना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, क्या यह दिखाता है कि जल्दबाजी में किया गया फैसला था जो पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, या अभी तक कील कांटे दुरुस्त नहीं हुए हैं, प्रत्याशी अभी तक भरोसा नहीं जीत पाए हैं? इसमें क्या है कि दो तीन बातें समझनी पड़ेंगी कि वहां समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो है मुस्लिम मतदाता वोट बैंक है मुख्य रूप से, और यहाँ पर जो आजम खान साहब है जो 100 मामलों में इस समय आरोप में है और सीतापुर जेल में बंद है, तो इस समय अखिलेश यादव जी उनको मिलने गए। और जो मुरादाबाद की बात शुरू करते हैं, मुरादाबाद में एसटी हसन जी को वो टिकट दिया गया था समाजवादी पार्टी की, और ये अखिलेश जी के खास व्यक्ति थे, तो आजम खान साहब ने जेल से उनको चिट्ठी भिजवाई कि ये एसटी हसन का टिकट काटो। उसके बाद एसटी हसन जी का टिकट काटा गया और उसके बाद ये रुचि वीरा जी को टिकट दिया गया। ये रुचि वीरा जी जो है ये आजम खान जी के समर्थक है, और उन्होंने भी जो है बाद में धन्यवाद दिया आजम खान जी का, समाजवादी मतलब अखिलेश जी का धन्यवाद नहीं किया उन्होंने, जबकि उनको टिकट जो है नेता समाजवादी पार्टी के आजम अखिलेश जी हैं, पर उन्होंने आजम खान जी को धन्यवाद दिया कि आपने हमारा टिकट दिलवाया जी। अच्छा, जो आजम खान जी है वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी में कम से कम कोई दूसरा उनके अलावा मुस्लिम नेता खड़ा हो, मतलब पूरे राज्य में अकेले एकमात्र नेता रहना चाहते, यहाँ तक कि जो उनका गृह क्षेत्र रामपुर है वहां से वो कह रहे हैं अखिलेश जी को कि आप चुनाव लड़ो, अखिलेश जी वहां चुनाव लड़ने नहीं जाना चाह रहे हैं और ये चाहते कि हम चुनाव लड़ो। अच्छा, अपने परिवार किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहते। कुल मिला के जो सारी स्थिति बन रही है मुस्लिम मतदाता को केंद्र में रख के बन रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आपके जितने मुस्लिम मतदाता रहे उनसे समस्या ये आएगी कि अगर आजम खान साहब मन सपोर्ट नहीं करते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम वोट जो है तितर बितर होंगे, कहीं दूसरी जगह जाएंगे, कांग्रेस की तरफ जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। इससे जो सीधा फायदा होने वाला है वो भाजपा को होने वाला है, क्योंकि जब कंफ्यूजन रहेगा मतदाताओं के बीच में तो समाजवादी पार्टी के मतदाता खुल के वोट नहीं कर पाएंगे, अभी तो कैंडिडेट फिक्स नहीं हुआ तो किसके लिए प्रचार करें। अच्छा, ये भी उनके कल्चर नहीं है कि पार्टी के लिए प्रचार करें, नहीं तो कैंडिडेट कुछ भी खड़ा हो जो भी आएगा भगवान बना के उसको जिता देंगे। ये जो स्थितियां बन रही पार्टी में इसलिए बन रही है, ये मुझे ऐसा लग रहा है रितेंद्र जी। लेकिन इसके साथ ही साथ अब जब ये स्थिति है कि पार्टी को अब मैदान में उतर कर अपने उम्मीदवार के लिए पूरी जान झोंक देनी चाहिए थी, उस वक्त उम्मीदवारों में बदलाव करना कितना खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। मेरठ की अगर बात करते हैं तो तीन बार प्रत्याशी बदले गए हैं। मेरठ एक ऐसी जगह जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी है और वहां से श्री राम का कैरेक्टर निभाने वाले अरुण गोविल को उतारा गया, माना जा रहा है एक मजबूत कैंडिडेट है, और वही समाजवादी पार्टी तीन कैंडिडेट बदल देती है। इसका सीधा मतलब है कि उनके सामने कंफ्यूजन के साथ साथ ये वो स्पष्ट बिल्कुल इस बात के लिए नहीं है कि हमारा प्रत्याशी खड़ा होगा तो ये एक जीतेगा कि वो हारेगा। अभी देखिए, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी बीजेपी के साथ गए हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो वो निश्चिंत ही समाजवादी पार्टी कि मुस्लिम वोट बैंक हमारे साथ रहेगा, किसान हमको मिलेगा, दलित का वोट बैंक हमको मिलेगा। पर अब जब ऐसी स्थिति बन गई है कि उनके सामने ये दोनों साथ नहीं है तो, और दूसरा इधर बीजेपी स्ट्रांगली अपने अरुण गोविल जी को लेकर खड़ी हुई है कि राम का कैरेक्टर है, तो अब राम लला अयोध्या में उन्होंने श्री राम लला का स्थापना की है,
ऐसे उसके बाद उनका जो वोट बैंक जो उनके प्रति सद्भावना है वो बढ़ी है और इसका वो पूरी तरह लाभ उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने अंदर कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रही है, ये दोनों चीजें सामने जो आ रही हैं इससे समाजवादी पार्टी की स्थिति खराब हो रही है और कांग्रेस उनके साथ मिली हुई है उसकी हालत भी खराब हो रही है। तो कांग्रेस को जो 17 सीटें मिली हैं उसमें उनकी भी हालत खराब होती दिख रही है, वो भी जाएंगे इसमें, उनका भी वोट बैंक जो है तो वैसे उनके पास कोई वोट बैंक नहीं, पर समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है उसका जो लाभ कांग्रेस लेने वाली थी वो नहीं मिलने वाला उनको, ये उनका भी नुकसान होगा इनका भी नुकसान होगा और ये स्थिति जो है बीजेपी के पक्ष में जा रही है ये मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, अभी राजनीतिक स्थिति ऐसी बन रही है कि हर पक्ष का जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ पॉजिटिव जाता हुआ आ रहा है। राघवेंद्र, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इन टिकट के बंटवारों के पीछे क्या राजनीति चल रही है। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी हुंकार भर चुकी है, चुनाव प्रचार करते हुए धुआंधार नजर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख लीजिए जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी अभी टिकटों में ही उलझी हुई है तो कैसे मुकाबला करेंगे? 80 हटाओ की बात कर रहे थे, 80 हटाओ कैसे होगा? रीति जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मात्र 63 पदों पे लड़ रही है, 80 सीटों पे नहीं, 17 सीटें कांग्रेस को गठबंधन में दी हुई है। इन 63 सीटों पे लड़ने के लिए आपको 8 उम्मीदवार अभी बदलने पड़े, ऐसे अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको 20-25 उम्मीदवार बदलने पड़े और ऐसे में असंतोष इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के नेताओं को संभाले रहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह देश में प्रदेश में राजनीति दिख रही है, जिस तरह कांग्रेस के बड़े बड़े एक से एक धड़े के नेता इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते जा रहे हैं, ऐसे में अभी दूसरा तीसरा फेज आएगा तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में भी एक बहुत बड़ा बिखराव देखने को मिले और ये जो असंतुष्ट नेता है हो सकता है कि समाजवादी पार्टी छोड़ करके किसी अन्य पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा अतुल प्रधान ने इस्तीफे की पेशकश की थी तो अखिलेश यादव आज उनको बुलाए अपने वहां बातचीत किए तब वो इस्तीफा देने से अपने आप को रोके हुए, लेकिन जब आप किसी सिटिंग विधायक को अपने टिकट देते हैं और वो अगर पर्चा दाखिला कर चुका होता है उसके बाद उसका टिकट काटते हैं तो उसका मैसेज बहुत दूर तक जाता है और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। और अगर हम पक्ष की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की बात करें या मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री की बात करें या राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, जिस तरह से लगातार इन लोगों के कार्यक्रम हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते अपनी चुनावी तैयारियों को पूरा कर लिया था, किसको कहाँ टिकट देना है ये भी सारी चीजें तय हो गई थी और समय अनुसार पार्टी टिकट देते जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय ऐसा करते हुए भी दिखाई दे रही है कि अगर दूसरे दल से आज नेता आकर कोई ज्वाइन करता है उसे टिकट देना है तो अगले दिन उसे टिकट भी दे दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां इंडी गठबंधन से बहुत आगे दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो अभी वो अपने उम्मीदवार रायबरेली अमेठी तक में तय नहीं कर पाई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है और अगर आप 80 हटाओ का नारा देते हैं तो नारा सिर्फ नारा देने से नहीं होगा, नारा के लिए कर्म करना पड़ता है, जब बहुत कर्म करते हैं तब जाकर सफलता मिलती है। ये दौर है, ये समय है कि आपको जाकर के ग्राउंड पे अपनी रैलियां करने चाहिए, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना चाहिए, तो यहाँ पे बार बार आप टिकट बदलाव कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं से अपना नुकसान करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ऋतु जी और बताना चाहूंगा, जिस तरह धर्मेंद्र यादव का बयान आया कि चाचा को लेकर थोड़ा सा वो था लेकिन भतीजा अगर चुनाव लड़ेगा तो पूरे तन मन से हम जिताएंगे और मेहनत करेंगे हम लोग, तो ये दिखाता है कि पूर्व समय में शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी प्रसपा पार्टी बनाए थे आ तो गए हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन दिलों में दूरियां जरूर हैं तभी इस तरह के बयान आ रहे हैं। और अगर दिलों में दूरियां इस तरह से अगर एक परिवार में है तो आप कल्पना कर सकती हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरह का मैसेज होगा, किस तरह की दूरियां होंगी, और शायद यही कारण है कि बार बार इनको प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ा विखंडन भी देखने को उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिले। ठीक है रितेंद्र जी, जिस तरीके से जनता के सामने अभी ये कंफ्यूजन है कि कल कोई और उम्मीदवार था उसके लिए माइंड मेकअप किया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था अपने आप को कि किसको वोट करना है, उसी तरह कार्यकर्ताओं में उससे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, उससे ज्यादा
असमंजस की स्थिति पैदा हो रही होगी कि कल हम किसके लिए प्रचार कर रहे थे, मैदान में उतरकर लोगों से वोट मांग रहे थे, लेकिन जो लगातार उम्मीदवार भी अपने वोट के लिए दर दर जा रहा था, आज वो उसको बैकफुट पे आना पड़ता है, फिर नया नाम आता है, फिर नई तैयारी देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं इससे कार्यकर्ताओं में भी एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। जी ये सही बात है, कार्यकर्ताओं के सामने तो समस्या रहती है क्योंकि उनको तो ग्रास रूट पे काम करना रहता है। अब ये तो नेता लोग ऊपर से स्टेटमेंट देके अलग हो जाते हैं, तो समस्या समस्या हमेशा समस्या आती है जो ग्रास रूट पे वर्कर रहते हैं उनके सामने, और ये समस्या आ रही है। और बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों में समस्या बहुत ज्यादा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर स्पष्ट कैडर को इंस्ट्रक्शन नहीं। अच्छा दूसरा क्या है कि पहले तो कैडर हुआ करता था, अब कैडर भी बिखरता जा रहा है, नेता हट रहे हैं तो कैडर भी अपने साथ ले जाते हैं, ये चीज भी आ रही है उनके सामने। अब जैसे मैं कांग्रेस का छोटा सा उदाहरण दूंगा, कांग्रेस में इस समय राहुल गांधी जी के सामने दो बातें आ रही है कि वो या तो अमेठी से चुनाव लड़े, वायनाड से चुनाव लड़े। अच्छा अभी तय ये हो रहा है उनके बीच में कि वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से भी लड़ेंगे, जैसे क्योंकि उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करना है। अब अगर वो वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो वायनाड में चुनाव पहले उड़ जाएंगे, इसके बाद वो अमेठी में चुनाव होंगे। फिर अमेठी में चुनाव लड़ने आएंगे तो ये चुनाव वहां हो चुके होंगे, उसके बाद यहाँ पर्चा भरने आएंगे। फिर अगर यहाँ अमेठी में जीत गए मान लीजिए तो फिर यूपी से प्रतिनिधित्व करेंगे और वहां का छोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में इनके सामने जो दो स्थितियां बन रही हैं कि ये अपना प्रतिनिधित्व किधर से करें, ये समस्या है। और इस समय कैडर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, रायबरेली में उनका कैंडिडेट तय नहीं है जी। उनकी माता जी तो छोड़ के चली गई है, और ये इनका इनका भी तय नहीं है कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। वायनाड में जो स्थिति है अगर जीत जाते वहां पे भी उनको घेर लिया गया, वायनाड में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको घेर लिया है, तो वायनाड में उनकी सारी पोजीशन टाइट रहेगी। अगर वहां हार जाते हैं मान लीजिए, और इधर अमेठी में तो स्थिति खराब है तो हार ही गए मान लीजिए, तो फिर तो कहीं से प्रतिनिधित्व नहीं रह जाएगा उनका। जी बिल्कुल, और देखिए अभी कार्यकर्ताओं में भी इस तरह का अविश्वास पैदा हो चुका है कि आखिर चुनाव प्रचार किसके लिए करना है। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, समाजवादी पार्टी तो इस वक्त चारों तरफ से घिरी हुई है, एक तरफ तो पल्लवी पटेल का साथ छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जुड़ जाना एक बड़ा झटका, एक वोट काटने वाला ये एक तरीका मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर हो रहा है। दूसरी तरफ बहन जी का भी अलग रहना, कहीं ना कहीं बहन जी समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। अब जब कैंडिडेट अपनी ही पार्टी की बात होती है और अपनी ही पार्टी में इतनी सारी कंफ्यूजन होना, और जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि लगातार सीट मिल गए हैं, लोग साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में दूरियां अभी भी नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद समाजवादी पार्टी इस चुनाव में कांग्रेस के साथ कैसे उतरेगी, क्योंकि कांग्रेस भी अभी बहुत सक्रिय नजर नहीं आ रही है मैदान में, और समाजवादी पार्टी तो अभी सीटों को लेकर ही सोच रही है। ऋतु, अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी की बात करें तो जो मुख्य घटक थे, इनके साथी थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य थे या पल्लवी पटेल थी या ओपी राजभर थे या जयंत चौधरी थे, ये सारे खेमे अब अलग हो चुके हैं। कहीं ना कहीं से कोई या तो कांग्रेस के साथ है, या तो फिर ओवैसी के साथ है, या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में है तो, लेकिन दिलों में दूरियां दिखाई दे रही हैं। एक साथ ये पार्टी के नेता अभी तक बैठने को तैयार नहीं है। इसके अलावा इंडी गठबंधन की जहां तक बात की जाए, क्योंकि इस गठबंधन के साथ इंडी गठबंधन पे भी चर्चा जरूरी है, जैसा सर अभी बता रहे थे। वायनाड पे राहुल गांधी को घेरने वाली बात देखिए, वायनाड केरल की बात करें तो वामपंथ वहीं बचा है, बंगाल से उसका सफाया हो गया है। हम जब बंगाल, इसलिए वहां पे कांग्रेस को घेरने का प्रयास वामपंथियों द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं बंगाल की, तो ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में तो है लेकिन बंगाल में चुनाव अकेले लड़ेंगे। अगर हम बिहार की बात करते हैं, वहां भी गठबंधन के लेकर दिलों में दूरियां है, कब कहां कौन प्रत्याशी उतार दे रहा है इसकी गारंटी नहीं है। हम महाराष्ट्र की जब बात करते हैं तो कभी शिवसेना अपने मन से प्रत्याशी उतार देती है, कभी कांग्रेस, और इसी को ध्यान इसी के लिए संजय निरुपम ने भी पार्टी पद से इस्तीफा दिया जब शिवसेना ने प्रत्याशी उतारा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां भी यही सिनेरियो। तो एक तरह से देश के जितने भी बड़े राज्य हैं, मुख्य राज्य हैं, वहां पे इंडी गठबंधन गठबंधन तो कर रहा है कि हमें मोदी को हराना है, लेकिन जब साथ मिलकर लड़ने की बात आ रही है तो सबको अपना जनाधार बढ़ाने की बात सामने आ जाती है कि हमें अपने पार्टी को देखना है, अपने जनाधार को देखना है। शायद यही कारण भी है
कि ये गठबंधन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, नेता हटते जा रहे हैं, इस्तीफा देते जा रहे हैं, इसके अलावा हम प्रत्याशी जब दे रहे हैं तो प्रत्याशी भी समय से नहीं चुन पा रहे हैं, और ये इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदायक तो है ही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक होने जा रहा। जैसा आपने जिक्र किया पल्लवी पटेल का या स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो ये वो नेता थे जो पीडीए की बात करते थे। पल्लवी पटेल ने पीडीएम अब एक नया नारा दे दिया, पिछड़ा दलित और मुसलमान ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया, तो ये दिखाता है कि हमारा कोई विशेष विचारधारा नहीं है। हम मोदी को हराना चाहते हैं, इसलिए जहां जिससे गठबंधन कर लें और किसी तरह चुनाव जीत जाए, ये जनता किसी तरह जिता दे। जबकि अगर मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 साल का देखें तो गरीबों के प्रति जिस तरह से योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाया, उनके आशियाने बनाए, माफियाओं का जिस तरह से सफाया उत्तर प्रदेश में अपराधियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जनता शायद सुरक्षित महसूस करती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकते हुए भी दिखाई देती है। और अखिलेश यादव शायद जनता की नब्ज को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसीलिए समय रहते हुए चुनाव की तैयारियां भी नहीं कर पाए हैं। ठीक रितेंद्र जी, अगर हम अखिलेश यादव के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं, जब से उन्होंने कमान संभाली है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा आंकड़ा है कि जीत दर्ज की हुई हो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में परिवारवाद को लेकर जो सवाल बार बार खड़े होते हैं, ये पार्टी परिवारवाद में ही रहकर रह गई है। अब जब कार्यकर्ताओं में और परिवार में इस तरह की बातें हो कि टिकट बदला जा रहा है, कभी किसी को टिकट दिया जा रहा है, धर्मेंद्र यादव शिवपाल यादव में भी कंफ्यूजन नजर आ रहा है और कहा जा रहा अभी तीसरी बार भी बदलाव देखा जा सकता है, ऐसी स्थिति में एक तरफ तो बीजेपी को फायदा हो रहा है, बीजेपी जो नारा दे रही है कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, कहीं ना कहीं उस नारे को तो ये साकार समाजवादी पार्टी भी करते हुए नजर आ रही है। सही बात है, इसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नारा दे रही है और दूसरी विपक्षी दल उसकी नारे को पूरा करता, उससे मदद करता दिख रहे हैं, उल्टा दिख रहा है इस समय। और अब देखिए इसमें क्या है, जैसे अब एक समीकरण की बात करें तो अब बहुजन समाज पार्टी को ले, तो बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट बैंक है लगभग 13% 12.5% 12.8% के आसपास। ये जो वोट बैंक है वो चाहते मुस्लिम वोट बैंक को वो दूसरा पकड़ते हैं। अब क्या होता है कि उनके अंदर एक जो चर्चा है वो ये बहुजन समाज पार्टी में कि दलित का वोट तो मुस्लिम कैंडिडेट को मिल जाता है पर जहां मुस्लिम बाहुल्य होते हैं मुस्लिम हमारे दलित कैंडिडेट को वोट नहीं देते। ये जो स्थिति है इसके कारण वो उनको लाभ नहीं मिलता जी। ये अब इस समीकरण में क्या होता है कि वो जो समीकरण बन रहा है इनके उसमें वो लाभ नहीं मिलता। अब समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम वोट बैंक पे आश्रित हो गए तो इसमें क्या होता है, हिंदू वोट बैंक एकदम क्लियर है, उनके सामने क्लियर हो गया कि हमको इधर ही वोट देना है। अच्छा, जब से ये जैसा कि आपके साथी जो संवाददाता जी बता रहे थे कि हमारे को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से गरीब आय वर्ग के लोगों के लिए मकान बना के सरकार ने दिए हैं और पहुंचे उन तक 90% लोगों तक वो चीज पहुंच गई है या कम से कम 50% लोगों तक पहुंची है, तो ऐसे में जब ये चीज उन तक पहुंची है तो वो लोग तो खुश दिख रहे हैं कि उनको हमको सुविधा तो मिल रही है, मकान तो मिल रहा है रहने के लिए, तो ऐसे में उनकी स्थिति ठीक हो रही है। और जो यहाँ तक कि उसमें मुस्लिम मतदाताओं को वोट भी मिल रहा है, और वो ठीक है कि मुस्लिम लोग उन्हें वोट देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, पर कम से कम उनको सुविधाएं उनको मिल रही है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, समय की कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और राघवेंद्र आप तमाम जानकारियों को देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नेटवर्क 10 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।